आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर टू प्रीपोजिशन का, जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेज जानेंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है एक्सेस टू। एक्सेस टू का मतलब होता है जहां टू लग जाएगा एक्सेस में, उसका मतलब होता है तक पहुंच होना, पहुंच होना। जैसे कहते हैं कि ही हैज एक्सेस टू द पीएम, ही हैज एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, तो एक्सेस टू होता है। एक्यूज ऑफ, एक्यूज में ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है से आरोपी होना, का आरोपी होना, या मैं आरोपी, आरोपी होना, यानी किसी चीज का आरोप जब लगाया जाता है तो उसको अक्यूज्ड ऑफ कहते हैं। एकस्टम टू, ये मैंने सीरियल वाइज कर दिया है ए बी सी डी ऐसे करके, तो एकस्टम भी होगा उसमें टू लगेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा का आदि होना किसी चीज के लिए, आदि होना, ठीक है। किसी भी चीज की आदत लग जानी उसको हम एकस्टम टू कहते हैं। एक्वेंटेंस या अक्वेंटेड विथ, इन दोनों में प्रीपोजिशन विथ लगेगा, यानी अक्वेंटेंस का मतलब से वाकिफ और अक्वेंटेड विथ का मतलब हो गया से वाकिफ, तो दोनों का मतलब यहां विथ ही लगेगा, अक्वेंटेड टू, अक्वेंटेड विथ या अक्वेंटेंस विथ, ठीक है। किसी चीज को जानते हैं तो अक्वेंटेंस हो जाएगा विथ, और किसी व्यक्ति से अगर हम परिचित होंगे तो अक्वेंटेड विथ होगा। अक्विट ऑफ का मतलब होता है, यहां भी ऑफ लगेगा, से बरी कर देना, से बरी कर देना, करना मतलब कोई आरोप है और वो निर्दोष साबित हुआ तो उसको बरी करते हैं, तो उसको लिखेंगे एक्विट ऑफ। फिर अडेप्टेड टू, से अनुकूल होना, अनुकूल मतलब किसी भी परिस्थिति में मिल जाना, घुल मिल जाना, उसको कहते हैं अनुकूल होना, तो अटेम्प्टेड क्या टू लगेगा। डरना, यानी किसी चीज से डर लगे, भय लगे, तो सुन कहते हैं अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ एग्जाम, ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन, आई एम अफ्रेड ऑफ बैटल फाइट वट एवर, ठीक है, तो इसमें ऑफ लगेगा। अग्रीएबल टू, ठीक है, अग्रीएबल टू का मतलब होता है सहमति के सेंस में। अग्री विथ, अग्री के साथ विथ लगेगा, तो यहां मतलब हो जाएगा किसी व्यक्ति से, अग्री विथ समवन, ठीक है, यानी किसी वक्त व्यक्ति से अगर हम राजी होंगे तो अग्री विथ होगा, और किसी विषय वस्तु या किसी मुद्दे से हम अग्री होंगे तो उसके साथ टू लगेगा, ठीक है। एंग्री विथ, आई एम एंग्री विथ हिम हर वट एवर, तो उसके साथ भी होता है ओविथ, एंग्री का मतलब नाराज होना। एंक्शस अबाउट, जब हम किसी व्यक्ति की चिंता करते हैं या किसी चीज की चिंता करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एंक्शस अबाउट होता है समथिंग, किसी भी चीज के लिए। और एंग्जाइटी होगा चिंता, तो उसमें फॉर लगेगा, एंक्शस अबाउट और एंग्जाइटी फॉर, ऐसे लगता है। अशब्द के साथ ऑफ लगता है, मतलब से शर्मिंदा होना। और हम आगे इसमें बहुत सारे और हैं, मैं मुख्य मुख्य यानी जो मेजर है वो बता रहा हूं। जैसे बी से आ जाएंगे, बी लेटर से जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होंगे उसमें हम क्या क्या बनाएंगे तो देखें। जैसे सबसे पहले होता है वर्ड ब्रिंग, तो ब्रिंग में अप प्रीपोजिशन लगेगा, तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, ब्रिंग ब्रिंग में आउट लग जाएगा, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, और ब्रिंग में अगर आउट प्रीपोजिशन लग जाएगा तो हो जाएगा टू पब्लिश, ठीक है, प्रकाशित करना,
यानी किसी भी विषय वस्तु को किसी चीज को प्रकाश में लाना, लाइट में लाना, ठीक है। अगर ब्रेक है, ब्रेक में इंटू लग जाएगा तो कहीं भी जबरदस्ती घुसना किसी भी व्यक्ति के घर में बिना परमिशन का, तो ब्रेक इन या ब्रेक इंटू में जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना, ठीक है। ब्रेक के साथ अगर विच लग गया तो किसी व्यक्ति से संबंध समाप्त होना, संबंध खत्म होना, संबंध खत्म होना, ठीक है। अगर ब्रेक में हम डाउन लगा दें तो इसके कई मतलब होते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब किसी व्यक्ति का बोलते बोलते रो पड़ना, ठीक है, ठिठक जाना, या किसी वाहन का चलते चलते खराब हो जाना ब्रेक डाउन कहलाता है। दोनों का अब सेंटेंस में जब यूज होगा तो इसका मतलब पता चल जाएगा। तो ब्रेक डाउन का मतलब बोलते बोलते रो पड़ना, भावुक हो जाना, या फिर वाहन का खराब होना, ठीक है, ये होता है। अगर हम सी लेटर से लें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉल, हमने लिख दिया कॉल। कॉल में अगर इन लगा देंगे तो होता है टू समन, मतलब होता है बुलावा भेजना, यानी किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, तो उसको हम लिखते हैं कॉल, कॉल इन ए डॉक्टर, कॉल इन द पेशेंट, ठीक है। और कॉल में ऑन लगा देंगे प्रीपोजिशन तो इसका मतलब होता है टू पे अ विजिट, मतलब किसी के घर जाकर मुलाकात करना या किसी के दफ्तर जाकर मुलाकात करना, किसी के यहां जाकर भेंट करना, वो होता है कॉल ऑन, ठीक है, मुलाकात करना, ठीक है। और कॉल में अगर आउट लगा देंगे प्रीपोजिशन तो मतलब हो जाता है चिल्लाकर पुकारना, ठीक है। और अगर हम लुक से लें, लुक में हम फॉल लगाएंगे तो इसका मतलब होता है तलाश करना, ठीक है। और लुक में इंटू लगा, लुक इंटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना। द पुलिस इज लुकिंग इंटू द मर्डर केस, द पुलिस इज लुकिंग इंटू द इश्यू और वट एवर, तो उसमें लुक इंटू हो जाएगा। अब अगर हम बैंक जैसे दे दें तो बैंक ऑन का मतलब होता है टू रिलाई, यानी रिलाई ऑन, रिलाई ऑन भी हम कर सकते हैं। और काउंट ऑन, इस सब का मतलब तीनों बैंक ऑन, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, सब में ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, तो इन तीनों का मतलब होता है भरोसा करना, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये जनरली प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐसे कहलाते हैं। और हम जैसे कहते हैं कि रन, रन में अगर ओवर हो जाएगा तो किसी वाहन द्वारा कुचल डालना, रन ओवर होता है कुचल डालना, कुचल डालना, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं और इसके अलग अलग इस्तेमाल से मीनिंग में बदलाव आ जाता है। और अगर गलती से हम गलत प्रीपोजिशन का यूज कर दें तो मीनिंग अर्थ का अनर्थ हो जाता है और ऐसे कॉम्पिटिशन में हमें जीरो मिलेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक हम इन प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे, साथ साथ वर्ड पावर का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।